ढोल 11 के अवसर पर शहर में एक और जहां काफी रंगीन माहौल नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर से लगे बीजलपुर क्षेत्र में भी उत्सव कुछ कम परवान नहीं चढ़ा था। बीजलपुर क्षेत्र में भी रंगारंग झांकियों के साथ ढोल निकाले गए। बीजलपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय से ढोल उत्सव मनाया जाता है, लेकिन पिछले 40 सालों से यहां उत्सव पूरे गांव की शान समझा जाता है। भगवान राधा कृष्ण के ढोल के साथ ही रंगारंग झांकियां निकालने की ये परंपरा सी बन गई है। झांकियां भी ऐसी जिसे देखने वाले देखते ही रह जाए। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। जब हम छोटे छोटे थे, जब से ये परंपरा आज अपना एक विशाल स्वरूप लेकर आपके सामने है। बीजलपुर क्षेत्र में इस अवसर पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां खान पान के साथ कई अन्य वस्तुओं के विक्रय की दुकानें भी लगाई जाती है। शाम 7 बजे शुरू हुआ झांकियों का ये कारवां देर रात तक इसी तरह जारी रहा। झांकियों के साथ विभिन्न अखाड़ों ने भी अपने करतब दिखाए। जल समारोह का बीजलपुर क्षेत्र के मुख्य श्री राम मंदिर के निकट गणेश जी के पंडाल पर भव्य स्वागत किया जाता है, जहां गांव के सभी वरिष्ठ जन एकत्रित होकर जुलूस का स्वागत करते हैं। ये एक बहुत प्राचीन सनातन परंपरा है ढोल 11 की, और इसका शास्त्रों में बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण जब नगर भ्रमण पर निकलते थे बचपन में, माँ यशोदा उनको लेकर निकलती थी, उससे जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। और इस दौरान गणेशोत्सव कार्यक्रम भी रहता है, तो यह 11 दिवसीय गणेशोत्सव कार्यक्रम इसी चौक में, टंकी चौक में सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति द्वारा 40वें वर्ष में किया जा रहा है। और ये ढोल 11 का पावन पर्व और ये गौरवशाली परंपरा बीजलपुर का एक ये प्रमुख पर्व है, और इस दिन आसपास से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त लोग आते हैं। बीजलपुर क्षेत्र में आयोजित इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार ओम प्रकाश आर्य है, जिनके ग्रुप के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है।